हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल हमारा देख रहे हैं, आज क्या है, CBSE जूनियर असिस्टेंट एक्सेट्रा आंसर की रिलीजिंग डेट, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, RRB NTPC RRC ग्रुप डी एंड DIDU MTS एग्ज़ाम डेट्स। मैं दोनों इसलिए एक साथ लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि CBSE वाले ही कैंडिडेट्स ये सब एग्ज़ाम देंगे, ज़रूर देंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग के मान लीजिए एग्ज़ाम ख़राब हो गए हैं, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि मान लीजिए गलती यहाँ की, वो आगे हम ना करें। इसलिए मैं दोनों वीडियो कम्बाइंड लेकर के आया हूँ, और आंसर की का वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया हूँ। एग्ज़ाम जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, 31 तारीख को पूरा ओवर हो गया है। 29-30 को जूनियर स्टूडेंट का था, 31 को आपका स्टेनोग्राफर वगैरह का था। यानी टोटल 28 से 31 तक CBSE के एग्ज़ाम्स चले हैं, वेरियस पोस्ट जो भी एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, मतलब 3-4 दिन से, कि मतलब आंसर की कब आएगा। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैं सोचा आंसर की पर भी एक वीडियो ला ही देता हूँ, ताकि आप लोग का कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ कि आंसर की कब आएगा। और आंसर की के बाद आप लोग अपसेट ना हो, इसलिए इन एग्ज़ाम डेट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ताकि आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग सके, अगर आपके स्कोर काफ़ी कम हो जाते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम इन एग्ज़ाम डेट्स की ही बात कर लेते हैं, RRB NTPC और ग्रुप डी के। पहले तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों से कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आप लोग को बहलाने फुसलाने के लिए, अपना व्यूज़ और पैसा कमाई बढ़ाने के लिए, टेस्ट सीरीज चलाने के लिए आप लोग से लगातार क्या बोल रहे थे, लोग अफवाह फैला रहे थे कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, जनवरी में एग्ज़ाम होगा। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा बोले थे, और मैं तब भी बोला था कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग मुझे जान रहे होंगे। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम कभी भी मार्च से पहले नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड। मैं बहुत पहले से इसकी गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बोल रहे थे कि, मैं भुवनेश्वर बोर्ड के चेयरमैन से बात किया था, कॉल किया था, तो वो बोले थे कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा और दिसंबर में आपका शेड्यूल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिसंबर भी बीत चुका है, जनवरी भी बीत चुका है। अब आप लोग उन यूट्यूबर से पूछ सकते हैं कि कहाँ गया ये शेड्यूल, कहाँ गया एग्ज़ाम डेट, क्यों एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, कहाँ गया वो फ़ोन कॉल, ठीक है। मैं शुरू से आप लोग से कह रहा था, ये लोग बस अपना टेस्ट सीरीज चलाने के लिए आप लोग को अपने जाल में फंसाते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, इसलिए आपको परेशान करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं शुरू से बोल रहा था, किसी भी कंडीशन में मार्च से पहले एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जान रहा था अभी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है डिसाइड नहीं हुई थी, और मार्च में पूरा जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो SSC फिक्स कर चुका है, ठीक है। क्योंकि SSC का भी एग्ज़ाम TCS ही कराता है, और इसका भी TCS अभी तक करा रहा था, अभी भी चांस है TCS ही शायद कराए। अगर TCS नहीं कराता, NTA कराएगा, और अगर NTA कराता है तो NTA को सेंटर कम पड़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सेंटर जो TCS के हैं। आप लोग जो जानते हैं, IUN डिजिटल सेंटर है, ये किसका है, TCS का ही है, ठीक है। तो अगर TCS एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है, तो फिर अपना सेंटर न दे सकता है वो, हो सकता है कि कुछ बाउंडेशन लगा दे, कुछ अपना चार्ज बढ़ा दे, तो रेलवे को और प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यानी कि हो सकता है कि TCS को ही लोग दें अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि सेंटर मैक्सिमम में बोला ना कि TCS के ही पड़े हुए, जितने IUN डिजिटल हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, 1-2 बने हुए हैं, वो सब TCS के ही हैं। तो अगर ये लोग TCS को छोड़ते हैं और NTA को पकड़ते हैं, तो NTA के पास उतने सेंटर्स नहीं मिल पाएंगे। और मैं बात करूं मार्च महीने की, जो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, तो मार्च महीना जो है SSC बुक कर चुका है पूरा, उसमें 10+2 CGL सारे एग्ज़ाम है, 2 मार्च से स्टार्ट है, मान चले पूरा मार्च महीना ख़त्म हो जा रहा है। तो मार्च में कोई चांस नहीं है होने का, अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी इस महीने मिल भी जाता है तो फरवरी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू से बोल रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अफवाह सावधान रहे, आप लोग पास बहुत समय है, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, अभी भी काफ़ी टाइम है। मैं आप लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, RRB ग्रुप डी और NTPC दोनों का, और यहाँ तक कि DIDU MTS का भी, तीनों एक साथ कराऊंगा, क्योंकि तीनों का पोर्शन सिलेबस ऑलमोस्ट एक ही है। ग्रुप डी में क्या है, थोड़ा साइंस का पोर्शन अधिक हो जाता है, और इन दोनों में साइंस के पोर्शन थोड़े कम होते हैं, क्योंकि साइंस एंड GK का पार्ट होता है, और ग्रुप डी में क्या होता है, साइंस एज अ सब्जेक्ट हो जाता है। साइंस सभी में रहेगा, लेकिन थोड़ा कम और अधिक रहेगा, ठीक है। और ग्रुप डी में कोई साइंस बोला जाता है, लेकिन उसमें भी GK आ ही जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आ ही जाता है। इसलिए मैं तीनों को एक साथ लेकर के चलूंगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही तैयारी किया था, मेरा भी ऐसे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बात करूंगा आप लोग को, कि तीनों मतलब एक साथ लेकर के चलेंगे, तीनों को पोर्शन एक ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं अब एक्सपेक्टेड डेट बता दूं फ्रेंड्स, तो NTPC ग्रुप डी अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग जान रहे हैं कि NTPC का फॉर्म पहले पड़ा था, ग्रुप डी का फॉर्म बाद में पड़ा था, लेकिन अप्लीकेशन स्टेटस जो है ग्रुप डी का आ गया, और NTPC का भी कोई हाल खबर नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ग्रुप डी का भी, वो भी अप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो 4 लाख कैंडिडेट्स जिनको रिजेक्ट किया गया था, उनका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। उनको दोबारा मौका दिया गया था, फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह गए थे, उसके बाद भी वो लोग धरना वगैरह दिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए बोर्ड भी शांत बैठ गया, अभी कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए यह डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि NTPC पहले होगा कि ग्रुप डी होगा, क्योंकि फॉर्म तो पहले NTPC का आया था, लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस ग्रुप डी का आया, इसलिए कन्फ्यूज़न बन गया है कि कौन सा पहले होगा। अब मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपेक्टेशन कौन सा पहला हो सकता है पहले। अगर मान लीजिए मार्च महीने, इस फरवरी महीने में अगर NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है,
तो हम मान सकते हैं चांसेज हो सकता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम पहले हो, और कितना भी पहले होगा तो अप्रैल से पहले नहीं होगा, जैसा मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे जान रहे हैं, जो नया अभी विजिट किए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो नहीं जानते होंगे, तो मैं उसे यही कहूँगा आप लोग भी सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा ले, ताकि आप लोग को भी ऐसे अच्छा अपडेट मिल सके, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, फालतू अफवाह से आप लोग बचें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं शुरू से बोला था कि मार्च के पहले नहीं होगा, जब भी होगा मतलब अप्रैल से ही हो सकता है, अप्रैल के बाद कभी भी जा सकता है, कितना भी लेट हो सकता है, लेकिन मार्च से पहले नहीं हो सकता है, यानी अप्रैल से पहले नहीं हो सकता है, यानी फरवरी मार्च में कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर लोग फरवरी में स्टार्ट कराते हैं तो मार्च में नहीं करा पाते, क्योंकि ये जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम है कम से कम चलेगा 2 महीना चलेगा दोनों एग्जाम। ठीक है, तो मार्च में सेंटर्स तो खाली नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो अब एक्सपेक्टेशन यही है फ्रेंड्स, अगर एनटीपीसी का स्टेटस इस महीने आ जाता है तो एनटीपीसी का एग्जाम पहले ये लोग करा सकते हैं, और ये अप्रैल से मई तक जा सकता है, लगभग 15 मई तक, फिर जस्ट उसके बाद ये लोग ग्रुप डी का भी करा सकते हैं, यानी 15 मई से लेकर के ये लोग जुलाई तक जा सकते हैं, 2.5 महीने तक चल सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी में ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं आप लोग जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी मेन प्रॉब्लम ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अभी मिला नहीं है, अगर इस महीने मिल जाता है, एप्लीकेशन स्टेटस एनटीपीसी का आ जाता है तो एनटीपीसी पहले हो सकता है, अदरवाइज एनटीपीसी का अगर स्टेटस पहले नहीं आता है और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी मिल जाती है तो पहले ग्रुप डी कराया जा सकता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है, भले ही फॉर्म बाद में पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी एग्ज़ाम होगा कितना भी पहले होगा अप्रैल से पहले नहीं होगा, यानी मार्च में कोई चांस नहीं है, फरवरी में कोई चांस नहीं है, बाकी यूट्यूबर्स आप लोग को केवल बहला फुसला रहे थे, केवल अफवाह फैला रहे थे, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, आप लोग को मालूम ही होगा, ऐसा आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं जो पहले ही बोला था वही अभी बोलूँगा, जब भी होगा अप्रैल में या जून में ही हो सकता है, उससे पहले नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर, जो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा ये मेरी बात रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग काफ़ी गुमराह हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा एनटीपीसी और ग्रुप डी का बात, सिंपल लैंग्वेज शॉर्ट में एक बार फिर से मैं बोल दूं, अगर एनटीपीसी का स्टेटस इस महीने आता है तो एनटीपीसी का एग्जाम पहले हो सकता है, भले अप्रैल में हो या मई में हो, लेकिन मार्च में नहीं हो सकता है, फरवरी में नहीं हो सकता है, अगर एनटीपीसी का स्टेटस इस महीने नहीं आता है, ठीक है, और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी मिल जाती है तो पहले ग्रुप डी का होने का चांसेस है, फिर भले अप्रैल में स्टार्ट हो या मई में स्टार्ट हो, लेकिन मार्च फरवरी में कोई चांस नहीं, फिर यही कहूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स डीआरडीओ एमटीएस का, तो डीआरडीओ एमटीएस की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, इसमें फॉर्म्स कम पड़े हुए हैं, इसका एग्ज़ाम 1 से 2 दिन में केवल होगा, ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम 4 दिन होगा, तो ये मार्च में हो जाएगा, 15 मार्च के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डीआरडीओ एमटीएस का, तो मैं तीनों का इसलिए टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, पहले डीआरडीओ एमटीएस है, फिर उसके बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ तीनों का प्रिपरेशन आप लोग एक साथ करें, क्योंकि डीआरडीओ एमटीएस भी अगर आप सही नहीं होता है तो आप एनटीपीसी ग्रुप डी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए एग्जाम डेट्स की बात, अब बात करते हैं सीबीएसई जूनियर स्टूडेंट और एक्सेट्रा आंसर की का, तो इस ये बता दो फ्रेंड्स, ये आंसर की आपका बिल्कुल कल आने वाला है, ठीक है, 99% चांस है कल आएगा, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ तो आपका आंसर की परसों आ सकता है, 1-2 दिन और लेट हो सकता है, वैसे मैक्सिमम चांस है ये आंसर की आपका कल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही हमें आपको अपडेट देना था, अब अगर आप हमारा वीडियो लास्ट तक देख ही लिए हैं तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके तत्काल। थैंक यू फ्रेंड्स।